जैसे किसी वृक्ष के सूखे पत्ते से जिंदगी और रंगत चली जाते हैं, ऐसे मेरे जिंदगी से सारे सुंदर रंग चले गए थे। इंद्रधनुष को देख उसमें बैठ झूला झूलने की चाह, तितलियों संग भागना, ये सब आजकल बच्चों को नसीब नहीं होता। मैं हूँ गौरी, मेरी उम्र है 5 वर्ष। वास्तव में आप सभी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक प्यासे पंछी की तरह मेरा बचपन प्यासा था। प्यार के लिए, साथ के लिए। कोई ऐसा जो प्यार दे, कोई ऐसा दुलार दे, जिंदगी से भागकर कहां जाऊं मैं, हर लम्हे मुझे तड़पाते हैं, हर लम्हे मुझे तड़पाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं अपनी हर बात अपने एक दोस्त से करती हूँ, और ये है मेरे अच्छे दोस्त। अब मैं खुश हूँ, पहले क्या होता था जानना चाहेंगे? जब जब मुझे नींद नहीं आती थी, मैं अपनी डायरी से बातें करती। जब मम्मी पापा याद आते तो अक्सर मुझे साथ देते एल्बम में लगे उनके चित्र। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा ऋषि, मम्मा रीतू। पापा कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मम्मा कॉल सेंटर में जॉब करती है। ये मेरा घर है, मेरी हर सुबह यहाँ ऐसे शुरू होती है। गौरी, ओ गौरी, 7:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है क्या? गौरी बेटा, प्रोग्रेस कार्ड कहाँ रख दिया तूने? हाँ, इस मेम साहब, नाश्ता? नहीं नहीं, रहने दो, देर हो रही है, बच्ची को खिला देना। गुड मॉर्निंग मम्मा। ओफ गौरी, कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? हा, टाइम देखा है, फिर लेट, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें। हा, कम ऑन, गेट रेडी। ओफ, क्या हो गया मुझे? गौरी बेटा, गौरी बहुत अच्छी बेटी है ना, देखो देर हो रही है ना, स्कूल जाना है ना आपको। हाँ, अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं ना। अच्छे बच्चे तैयार हो जाओ फटाफट, ओके, चलो गेट रेडी, कम ऑन। आज की मेहनत से मेरी बच्ची का कल अच्छा होगा। यस यस, गुड गर्ल बेटा। हेलो, यस गौरी, यू डू वन थिंग, तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर मैंने सिग्नेचर किया, पहुंच रही हूँ, लेके चल। आई एम ऑन द वे, हैव अ नाइस डे सर। रितू, गेटिंग लेट, कम ऑन। चलो ऋषि। पापा और मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है।
रातों को चांद पूरा होता और मेरी जिंदगी अधूरी। अरे हाँ, बोला ना, पहुंच जाऊंगी। एक बार कह दिया तो कह अभी दिया। अभी के लो। हाँ हाँ, अरे बोला ना, अभी। गौरी, जब दैट्स माय डॉटर, हाँ? अरे जब कहा ना एकदम फिक्स है, मींस पहुंचना ही है पार्टी के लिए। एक सेकेंड, होल्ड ऑन, गौरी, व्हाट्स गोइंग ऑन? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, हाँ? जब भी मैं काम करूं, तभी आकर तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करना होता है। एक बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ भी? क्या लगा रखा है? अभी तक क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ और जाके सो। गो टू योर बेड। ये फूल खिल गया है, शायद इसे जो चाहिए था इसे मिल गया है। कलियों के पास माली था, लेकिन मेरा जीवन खाली था। चाहे दिन छुट्टी का हो, मेरे लिए किसी के पास वक्त ना होता। गौरी, गौरी बेटा, ये सब क्या है बेटा? What are you doing, sweetheart? मम्मी, क्या मैं अनाथ हूँ? पापा is there for you. We are all there for you, बेटा. रुको मम्मी, you are not alone. अभी खेलो, अभी. Sorry, बेटा, देर हो रही है. अभी. Try to understand, sweetheart. अभी. ऑफिस जाना है, please. के वृक्षों पर आएंगे फल, मेरे सपने पूरे करेगा कल। वृक्ष भी शायद सपने देखता होगा, मैं भी सपने देखती हूँ, शायद सपने सच हो जाते हो। जैसे सूखे वृक्ष किसी अच्छे दिन पर हरे भरे होते हैं, ऐसे कोई कोई दिन मेरे लिए बसंत बनकर आता है। आई लव माई मम्मी वेरी मच। मुझे लगता है मम्मी को भी पता है मैं क्या मिस करती हूँ, लेकिन उन्हें ऑफिस की टेंशन है। तुम तो मेरी प्यारी बिटिया हो, देखो मामा को ज्यादा तंग नहीं करना। तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पर सुंदर सी गुड़िया राजकुमारी लाएगी, राजकुमार लाके देगी। कौन आ रहा है बेटा? देखो तुम्हारा दोस्त प्रसन्न आया है। चलो अब प्रसन्न से हेलो करो, अब तुम इसके साथ खेलोगी ना, है ना मेरी अच्छी बिटिया। देखो फोन आया है ऑफिस से, अब मम्मा को जाना पड़ेगा, प्लीज बेटा। उस दिन प्रसन्न ने मुझे बताया कि वो सभी एक आश्रम में जाते हैं, वह कोई डांटता नहीं और दीदी भी टोली देती है। पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आई लव माय मम्मी वेरी मच। एम आई मिसिंग माय चाइल्ड? शी इज माय चाइल्ड। आई लव हर। आई लव हर। कभी कभी मम्मी डैडी मेरे बारे में बात करते हैं। तो क्या सोचा आपने ऋषि? ऑफिस के अलावा आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारे बारे में हमेशा पूछती रहती है, वो तुम्हें बहुत मिस करती है।
उस रात फिर खूब झगड़ा हुआ। कुछ करो ऋषि, कुछ करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे ऋषि? हम सारी जिंदगी पैसा कमा रहे हैं, मगर मैं एक माँ हूँ। माँ गौरी बच्ची है हमारी, अकेली, वी आर मिसिंग हर। हम तो अमीर नहीं है, न्यू जनरेशन का मिडिल क्लास पीपल है हम। क्या करेंगे, भीख मांगेंगे? रितु, गौरी इज माई डॉटर। गौरी का जगह दिल में है। अरे ऋषि, बच्ची को तो छोड़ो, क्या हम दोनों ने कभी 5 मिनट भी शांति से बैठ के बात की है? उस दिन ऑफिस में पापा बिजी थे, लेकिन उन्हें याद था कि उस दिन मेरा बर्थडे था। दो दिन हो गए घर पे जाके। टुडे इज माई डॉटर्स बर्थडे। मम्मा पापा कोई भी नहीं आए। कोई ऐसा जो प्यार दे, कोई ऐसा दुलार दे, बिखरे मेरे सपने जमीन पे टूटे। खड़ी देखते देखते मैं थक गई थी। मम्मी ने प्रॉमिस किया था मेरे लिए डॉल लाएगी, राजकुमार लाएगी। टूटे दिल से आंसू बह चले। अचानक मैं घिर गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ। फिर आया ने मम्मी को फोन किया। करी करी बेटा, आया कौरी को क्या हुआ? आया माँ का दिल तड़प रहा है, माँ की ममता उमड़ रही है, बिखरे माँ के सपने जमीन पे टूटे, ये लम्हे तुझे तड़पाते हैं, ये लम्हे तुझे। मम्मी का रोते देख मुझे समझ आया वो मुझे कितना प्यार करती है। I love you मम्मी, I love you। बीमारी कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप कौन है? मैं गौरी का आया हूँ। अभी ये बच्ची को दवा का जरूरत नहीं, बच्ची को माँ बाप की प्यार का जरूरत है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को कुछ होगा तो नहीं है ना? आई वॉन्ट टू टॉक टू अवर पेरेंट्स। पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन बच्चे का प्यार? डॉक्टर अंकल, मेरे दिल की बात जान गए। उन्होंने कहा, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू डिस्टर्ब ए चाइल्ड्स लाइफ। आई एम अ गुड मदर, आई एम अ गुड मदर। कंप्यूटर्स के साथ काम करते करते हमारी लाइफ मैकेनिकल हो गई है। सिंथेटिक स्माइल्स, रोबोटिक लाइफ्स। यू हैव टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ with your child, a new life is doctor. Thanks. हॉस्पिटल में पहली बार मेरे पास जब पापा आए, मैं उनसे बहुत बहुत नाराज थी।
I hate you, Papa. एक दिन आया ने पापा से कहा, सा मैडम, अब तो बड़े आदमी हो, आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन गौरी को आप दोनों के प्यार की जरूरत है। डॉक्टर अंकल ने डिस्चार्ज किया था 5 दिन के बाद। क्या डिसाइड किया आपने? बच्ची है हमारी, उसकी कोई गलती नहीं। क्या आप उसे अनाथ की तरह देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं। I am not able to forget that incident. गुस्सा है उसको, पहली बार देखा मैं। मैं बहुत बहुत गलत काम कर रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए। उसको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। We have to do something for good. उस रात पापा मेरे से बात करने के लिए कमरे में आए, मगर मैंने पापा से बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन क्या हुआ। सुनिए। टेल मी रितु। देखो ऋषि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई हैव टेकन अ डिसीजन। क्या कहना चाहती हो? मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। रितु शड़ल ली तुम। यू कैन अंडरस्टैंड, यही सही होगा, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। मम्मा रात को देर से घर आई थी। साब आए? नहीं मैम। और बच्ची? सो रही है। ठीक है, तुम जाओ। क्या मैम साब आज परेशान लग रहे हैं? इतने दिनों तक मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या खोया है बेटा। बेटा, मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया ना? ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। पता है ये क्या है? ये है मेरा रेसिग्नेशन लेटर। Miss you, Peter. शायद मेरे खुशियों के दिन शुरू हो रहे थे।
Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya has given me a new life. मैं प्रसन्न और श्रुति के साथ वहां जाने लगी। मुस्कान लब पे सजाने चैन की बंशी बजाने मुस्कान लब पे सजाने चैन की बंशी बजाने सदा साथ वो निभाने आया है शिव भगवान इतनी खुशियाँ मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। पापा से मैं अब भी नाराज थी। एक दिन पापा मुझे लेने श्रुति के घर आए। श्रुति की दादी ने पापा से कहा, अपने दिल के टुकड़ों को हार कर सारी दुनिया भी जीत ले तो किस काम की। हाँ मुझसे बात नहीं कर रहे। I really सुनो। देखो बच्चों का दिल शीशे के जैसे होते हैं। अगर एक बार टूट जाता है तो फिर से कभी नहीं जोड़ते। लेकिन अब गौरी समझदार हो गई। आप जाइए तो आपको जरूर स्वीकार करेगी। फिर मम्मी पापा भी आश्रम में जाने लगे। मेरे जीवन से सारे बादल अब चढ़ने वाले थे। मम्मी पापा भी वहां आए जहां प्रसन्न श्रुति और मैं जाते थे। मेरे बच्चे अब स्वर्ग मेरे हाथ में है। पापा, मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट मेरी गुड़िया सी मम्मी और राजकुमार जैसे पापा मुझे मिल गए। बच्चे वो फूल हैं जो तकदीर से मिलते हैं, लेकिन ये फूल प्यार से खिलते हैं। हमारी ख्वाहिशें पूरी हुई, सब रास्ते खुल पड़े, बिखरे सपने सवर गए, खिले दिल से खुशी बह चली,
खिले दिल से खुशी बह चली।